पेपर लीक कराए, देश के लिए आगे बढ़कर लड़ने वालों की बहन बेटियों के लिए जानबूझकर अपने मंत्रियों से अपशब्द कहलवाए, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ाए, मणिपुर हाथरस महिला पहलवान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक व आदिवासियों पर अत्याचार और सबसे खराब व्यवहार किए जाने के लिए रिकॉर्ड बना, आर्थिक रूप से इलेक्टोरल बॉन्ड का ऐतिहासिक भ्रष्टाचार किया, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा कमाने के लिए मुनाफाखोरी को बढ़ावा दिया जिसने महंगाई को बढ़ाया, अपने फायदे के लिए भाजपा ने जनता पर बेताशा महंगाई थोप दी, नोटबंदी से व्यापार कारोबार चौपट कर दिया, भ्रष्ट जीएसटी से छोटे दुकानदार तक को मंदी का शिकार बना दिया, किसानों की जमीन हड़पनी चाही, काले कानून लाने चाहे, खाद की बोरी की चोरी की, लाभकारी मूल्य नहीं दिया, 35 सालों की सबसे बड़ी बेरोजगारी में देश को धकेला, महंगाई से गरीब को और गरीब बना दिया, अमीरों के अरबों के लोन माफ किए लेकिन किसानों के ऋण के लिए आत्महत्या के लिए मजबूर किया, ब्याज की दरें घटाकर मध्यम वर्ग की बचत को बेकार कर दिया, बैंकों में तरह तरह के चार्ज और पेनल्टी से लोगों के खाते दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा गए, बैंक लॉकरों के नाम पर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, नैतिक रूप से चंदे तक का पैसा खा गए, केयर फंड के नाम के आगे पीएम के नाम का इस्तेमाल करके बाद में हिसाब देने से मना कर दिया, अपराधियों को शामिल करने, उनके कृत्यों पर पर्दा डालना, जैसे मणिपुर में अपने संगी साथियों द्वारा बेटी के साथ अमानवीय व्यवहार में, बीएचयू छात्र अभद्रता कांड में, खीरी किसान हत्याकांड में, हाथरस की बेटी के बलात्कार हत्या व कानपुर देहात कांड में, जहां मां बेटी को झोपड़ी में जिंदा जलाकर मार डाला, ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। शारीरिक रूप से देखें तो भाजपा लोगों के शरीर स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ किया, उसके भी दोषी हैं। भाजपा ने बिना जांच परखे जानलेवा वैक्सीन लगवाई, कमीशन खाकर गलत दवाइयों को पास करके लोगों का जीवन खतरे में डाला, इसका सीधा असर जनता की सेहत पर पड़ेगा और आने वाली पीढ़ियों की तंदुरुस्ती पर भी। भाजपा पीढ़ियों पर प्रहार की दोषी भी है। मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों के दिल और दिमाग में जानलेवा वैक्सीन लगवाने के बाद बीमार होने पर डर बैठा दिया, महिलाओं के अंदर असुरक्षा का भाव घर कर गया, युवा अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट से डिप्रेशन का शिकार हुआ, राजनीतिक रूप से चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में कैमरे के सामने धांधली की, चुनी हुई सरकारें गिराई, खरीद फरोख्त का नकारात्मक सियासत को जायज ठहराया, पारिवारिक रूप से राजनीतिक फायदे के लिए परिवारों को लड़वा दिया, भाई के खिलाफ भाई को, मानसिक रूप से भाजपा ने अपने ही समर्थकों को हिंसक बनाया, मॉब लिंचिंग को मानसिक रूप से सही ठहराने की साजिश की, आपराधिक रूप से ऐसे लोगों को मंत्री पद दिया और बनाए भी रखा जिन्होंने किसानों की हत्या की, जो महिलाओं पर अत्याचार शोषण के दोषी हैं। न्यायालय तक में अपने लोग पिछले दरवाजे से सेट किए, न्यायाधीशों से खुलकर एक विचारधारा विशेष के लिए बयान दिलवाए, न्यायाधीशों को राजनीतिक पदों पर लालच देकर कानून तक को अपनी भ्रष्ट सोच से मैला कर दिया, यही काम यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूलों में किया, नौकरशाही में लेटरल एंट्री के बहाने यही धांधली की, योजना आयोग खत्म किया, ईडी सीबीआई आईटी इनकम टैक्स को सरकार बनाने बचाने और चलाने के लिए इस्तेमाल किया, झूठे आंकड़ों से देश और दुनिया को छला जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को विकासशील देशों की श्रेणी से बाहर करने की बात से देश की शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, विदेशों में बैठे भारतीयों को अपमान झेलना पड़ा, दुनिया में डंका बजाने की बात करने वालों का ही ढोल पिट गया, विकास व रोजगार के झूठे आंकड़े देकर ठगा, संवैधानिक रूप से संविधान को पहले कमजोर करने पर बदलकर धीरे धीरे खत्म करने की साजिश ही नहीं, अपने लोगों से शरेआम कहलवाया भी, लोकतांत्रिक रूप से जनतंत्र को मनतंत्र में बदलने का दुस्साहस किया, व्यक्ति को व्यवस्था
से बड़ा बनाने और बताने का दुष्प्रचार कर लोकतंत्र की भावना का अपमान किया। चुनाव के नतीजों को कुछ भ्रष्ट मीडिया कर्मी और अधिकारियों की मिलीभगत से बदला भी और आगे भी इस चुनावी घपले को जारी रखने का षड्यंत्र रचा। भाजपा ने इन्हीं सब कारणों से देशवासियों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। साथ ही भाजपा ने अग्निवीर जैसी अल्पकालिक भर्ती, जो देश की सुरक्षा व सीमाओं से समझौता करके देश को खतरे में डाल दिया है। भाजपा का झूठा राष्ट्रवाद, चीन की घुसपैठ से रजांगला मेमोरियल जैसे शहीदों के बलिदान का स्मारक तक नहीं बचा पाए। भाजपा की भ्रष्ट नीतियां बीते कल के लिए नहीं बल्कि भविष्य में भी देश की रक्षा के लिए असमर्थ व अक्षम है। इसलिए जनता इस बार गांधी जी को याद करते हुए करो या मरो की तरह आंदोलित हो गई है और अपने और अपने देश के भविष्य बचाने के लिए नया स्वतंत्रता आंदोलन लड़ने के लिए तैयार बैठी है। जनता स्वतंत्रता सेनानियों की तरह बलिदान करने के लिए तैयार है, क्योंकि भाजपा काल में उसका जीवन तो वैसे ही दूभर हो गया है। जनता की सकारात्मक सक्रियता से देश नकारात्मक ताकतों से आजाद होने जा रहा है। देश प्रेमी 140 करोड़ जनता की शक्ति के आगे भ्रष्ट और संकीर्ण सोच के चंद देश विरोधी लोग टिक नहीं सकते। देश का युवा फिर से कफन सर पर बांध कर कह रहा है, मेरा रंग दे बसंती। मैं कहना चाहता हूं, इंडिया की जीत देश और देश की जनता की जीत साबित होगी। जय हिंद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम और आप पूरे जनता के बीच में थे पूरे चुनाव भर, और इतनी गर्मी में, भीषण गर्मी में लोगों ने इस लोकतंत्र को, संविधान को मजबूत बनाने के लिए मतदान किया। हम और आप पूरे जनता के बीच में थे पूरे चुनाव भर, और इतनी तपती हुई गर्मी में, भीषण गर्मी में लोगों ने इस लोकतंत्र को, संविधान को मजबूत बनाने के लिए मतदान किया। कहीं भी किसी जगह पर ऐसा नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लोग आए हों। उनके टेंट खाली थे, मैदान खाली थे, और इसमें से कई साथी ऐसे हैं जो एग्जिट पोल में शामिल हैं, वो और उनकी संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ मैनेजमेंट का भी काम करती हैं, समय समय पर बूथ की जानकारी भी देती हैं। जो सवाल हमसे आप पूछ रहे हैं, वो सवाल मेरे मीडिया कर्मियों से ये भी है कि उन लोगों से भी पूछें कि जो एग्जिट पोल वाली संस्थाएं और एजेंसियां हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले कई वर्षों से बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो जो लोग उनके समय समय पे बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, वही एग्जिट पोल मैनेजमेंट के लिए आए हैं। वो माहौल बना रहे हैं, विपक्ष के लोगों को डराना चाहते हैं। ये राजनीति इनकी पहले से रही है और इसी तरह करते आए हैं, लेकिन इस बार जनता भी तैयार है और इस देश का नौजवान से लेकर के हर वर्ग के लोग तैयार हैं कि उन्हें अपने मतदान किए हुए की रक्षा करनी है। ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं, ये कोई नया सवाल नहीं है, मुझसे बेहतर आप जानते होंगे, आपके भी संपर्क हैं। चुनाव भर किस तरीके का सरकार का व्यवहार रहा है या क्या निर्देश समय समय पर नीचे भेजे गए हैं।